पिछले 3 महीने से पांडरकवड़ा शहर में तेलंगाना राज्य में मोटरसाइकिल चुराकर पांडरकवड़ा शहर में बेचने का रैकेट चल रहा है। 15 जून को शाम करीब 7 बजे पांडरकवड़ा पुलिस ने ट्रिपल सीट और लाइसेंस जांच अभियान चलाया। इस अभियान के चलते पुलिस जब 3 वाहनों के ऊपर शक होने पर थाने ले आई तो तीनों वाहनों का मालिक आदिलाबाद के होने का पुलिस को पता चला। शक होने पर पुलिस ने संशयितों से गाड़ी के असली मालिक को बुलाने के लिए कहा तो पता चला कि गाड़ी शफीक से 10,000 रुपये में खरीदी गई है। पुलिस ने शफीक के ठिकाने का पता लगाया तो पता चला कि वह तेलंगाना से मोटरसाइकिल लाकर बेचता है। थानेदार जगदीश मंडलवार ने फोन पर आदिलाबाद पुलिस को जानकारी दी। तेलंगाना पुलिस ने मंगलवार यानी 14 जून की सुबह छापेमारी कर 23 दोपहिया वाहन जब्त किए। आरोपी शफीक बाबू खान उम्र 32 साल। इस आरोपी के बारे में पता चला है कि उसने पिछले कई दिनों से राजीव गांधी सरकारी अस्पताल आदिलाबाद तेलंगाना से अधिकांश वाहन चुराए हैं और बेचते समय ग्राहक को वह आश्वस्त करता था कि वाहन उसका है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में 10,000 से 20,000 रुपये में वाहनों को बेचने वाले आरोपी शफीक बाबू खान को राजीव गांधी सरकारी अस्पताल में वाहन चोरी करते हुए गिरफ्तार किया गया है। आरोपी ने अपराध कबूल कर लिया है। वीकेबी न्यूज के लिए यवतमाल से अजीत महेंद्री की रिपोर्ट। आदमी की तकलीफ को तो समझो, बाहर बाहर उठो बैठो उठो बैठो। जनाब, तकलीफ उठने बैठने की नहीं, तकलीफ बवासीर की है। बवासीर, फिशर, भगंदर, पाइलोनियल साइंस का आयुर्वेद तथा आधुनिक लेजर से उपचार, अभ्युदय पाइल्स लेजर हॉस्पिटल, लोहार समाज भवन के पीछे, महापुष्प सोसाइटी, शताब्दी नगर चौक से मनीष नगर रोड, नागपुर। कॉल और विजिट करें www.pilesfistulacure.com।